दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोहिनूर हीरे के बारे में। दोस्तों, कोहिनूर के बारे में यह माना जाता है कि वह कृष्णा नदी के पास कुल्लूर की खदाने में मिला था। यह खदाने आज के आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1850 में इसके बारे में चर्चा करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने यह नोट किया कि लोग मानते थे कि यह हीरा कोई 5000 वर्ष पहले महाभारत काल में मिला था। दोस्तों, इस हीरे का वजन 793.5/8 कैरेट बताया जाता था। ऐतिहासिक जानकारी यह है कि इस हीरे का सबसे पहला जिक्र बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलता है। बाबरनामा में वह कहता है कि किस तरह उसके प्यारे बेटे हुमायूं ने उसे यह अभूतपूर्व हीरा भेंट दिया था। जब हुमायूं ने इसकी कीमत आंकनी चाही तो बाबर ने उससे कहा कि इतने बेशकीमती हीरे की कीमत एक लठ होती है। जिसके हाथ में भारी लठ होगा, उसके हाथ में यह हीरा होगा। बाबर लिखता है कि पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा किले की सारी दौलत हुमायूं ने अपने कब्जे में ले ली। यहाँ हुमायूं को ग्वालियर के राजा ने एक बहुत बड़ा हीरा दिया। हुमायूं ने उसे अपने पिता को भेंट कर दिया। 17वीं सदी में बाबर के परपोते शाहजहां ने अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को बनाने से सैयद गिलानी नाम के शिल्पकार और उसके कारीगरों की टीम को कोई 7 वर्ष लगे। इस सिंहासन में कई किलो सोना मढ़ा गया। इसे अनेकानेक जवाहरातों से सजाया गया। इस सिंहासन का नाम रखा गया तख्ते मुरस्सा। बाद में यह मशहूर सिंहासन के नाम से जाना जाने लगा। बाबर के हीरे को भी इसमें मढ़ दिया गया। दुनिया भर के जौहरी इस सिंहासन को देखने आते थे। इनमें से था वेनिस शहर का होर्टेसो बोर्जिया। बादशाह औरंगजेब ने हीरे की चमक बढ़ाने के लिए इसे बोर्जिया को दिया। बोर्जिया ने इतने फुअड़पन से काम किया कि उसने हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह 793 कैरेट की जगह महज 186 कैरेट का रह गया। औरंगजेब ने बोर्जिया से 10,000 रुपये जुर्माना के रूप में वसूल किए। फिर 1739 में फारस के शाह नादिर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नादिर शाह के सिपाही पूरे दिल्ली में कत्लेआम कर रहे थे। इस कत्लेआम को रोकने के एवज में मुगल सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसे मुगल तोशखाने से कोई 2,50,000 जवाहरात दिए। उनमें से एक यह हीरा भी था। कहा जाता है कि नादिर शाह ने ही इसे नाम दिया था कोहिनूर, यानी रोशनी का पर्वत। नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अहमद शाह दुर्रानी के कब्जे में आ गया। अहमद शाह दुर्रानी का बेटा शाह शुजा जब सिखों की हिरासत में लाहौर जेल में था तो कहा जाता है कि सिख महाराजा रणजीत सिंह ने उसके परिवार को जब तक भूखा प्यासा रखा, जब तक कि शुजा ने कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के हवाले नहीं कर दिया। सिखों को हराने पर कोहिनूर हीरा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा। भारत का वायसराय लड़हौजी इसे अपनी आस्तीन में सिलवा कर लंदन ले गया। वहां उसने कोहिनूर कंपनी के डायरेक्टरों को भेंट में दे दिया। कंपनी के डायरेक्टरों ने तय किया कि चूंकि हीरा अमूल्य था, इसका कंपनी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं था, तो सबसे बेहतर यह रहेगा कि इसे रानी विक्टोरिया को भेंट में देकर कुछ सद्भाव ही हासिल कर लिया जाए। कहा जाता है कि 29 मार्च 1849 को ही कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया को भेंट में दिया गया था। उसके बाद रानी विक्टोरिया ने इसे अपने ताज में जड़वा दिया। तब से कोहिनूर वही है। आखिर यह वही समय था जब बरतानवी ताज के हाथ में दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत थी। और जैसा बाबर ने कहा था कि यह हीरा तो उसी का होगा जिसके हाथ में सबसे बड़ा लठ होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।
ताकि जो भी हम वीडियोस डालें आपको सबसे पहले मिले।